हमारे प्रभु और उद्धारक यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में प्रेमा भी नंदन। हर हफ्ते आपको इस कार्यक्रम के द्वारा देखने पर बहुत खुशी होती है हर हफ्ते पवित्र आत्मा हमसे बात करते आ रहा है आज भी व्यवस्था विवरण अध्याय चौदह में पहले दो वचन के द्वारा परमेश्वर आपको अपने पुत्र कहकर अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है अपने पवित्र जन मान लिया है ये बात इसराइलियों की अगुवा करने वाले प्रभु ने आज भी आत्मिक इसराइली लोग आपको और मुझे देखकर परमेश्वर के पुत्र हो कहकर वो प्रकट कर रहा है देखिए व्यवस्था विवरण चौदह और एक और दो तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो इसलिए मरे हुओं के कारण ना तो अपना शरीर चीरना और ना बहों के बाल मुंडाना क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देश के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है ऐसा हम वचन में देख रहे हैं जो आत्मिक इसराइली है विश्वासी है उन्हें देखकर परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो ऐसा कहके आपको स्वीकार कर रहा है केवल यही नहीं आप पवित्र समाज हैं कहता है तीसरे वचन में वो क्या कहता है आप कौन हैं? उसके पवित्र समाज हैं कितनी महान धन्यता है ना इस भूमि की सृष्टि करता इस संसार को बनाने वाला वो हमको देखकर अल्प कचरा समान हमें जो किसी योग्य नहीं है हमें देखकर अपने पवित्र नाम के निमित्त हम पर अनुग्रह करके परमेश्वर कहता है तुम मेरे पुत्र हो मेरे लिए एक पवित्र समाज है ऐसा परमेश्वर को कहते हुए मेरे प्रियजनों हम देख सकते हैं क्या हम पवित्र समाज हैं हम परमेश्वर के पुत्र हैं परमेश्वर के लिए पवित्र समाज हैं इस बात को हमें एनालाइज करके परख के देखना होगा हो सकता है उन दिनों में इसराइली लोगों को देख के परमेश्वर ने कहा हो वही बात पवित्र आत्मा आज के आत्मिक इसराइली हमको देख के कह रहा हो लेकिन क्या सच में हम उस योग्य हैं क्या क्या मैं उस योग्य हूँ आप उसके योग्य है क्या इस बात को हमें समझना होगा मेरे प्रियजनों एक लोकानुसार माँ और पिता को देखेंगे तो उनका एक बच्चा या फिर दो या तीन या फिर पांच बच्चे हो सकते हैं वो सब ज्ञान में बढ़ना होगा वृद्धि होनी चाहिए शारीरिक तौर से भी बढ़ के फेमस बने नॉलेजेबल बने अकलमंद होके बढ़े लोकानुसार जी हाँ आर्थिक आशीर्वाद रिचनेस प्रॉस्पेरिटी मिले खूब कमा सकें बड़े व्यक्ति बनना चाहिए एक एक बच्चा पल बढ़ के अलग अलग रूप से देखिए बड़े व्यक्ति बने आईएएस बने आईपीएस बने इंजीनियर बने डॉक्टर बने ऐसा अपने बच्चों के लिए वो सोचते रहते हैं अल्टीमेटली एक माता पिता की आशा क्या है जानते हैं अंत में उनके बच्चे उनकी देखभाल करें अपने सगे बच्चे जो बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हैं एक अच्छे अहदे पर हैं अच्छे आशीर्वाद पाए हैं वो इनको इनके बुढ़ापे में देखभाल कर सकें उनके परिवार की बातों की जिम्मेदारी ले सकें उनके अंतिम दिन में माता पिता का ध्यान रखें ऐसा हरेक माता पिता इस संसार में आशा करते हैं ये हम देखते हैं उसी तरह परमेश्वर हमको अपना पुत्र बना के रखा है उसके लिए एक पवित्र समाज है हम अपने लिए एक पवित्र समाज बना के रखा है अपने लोगों के बीच अपने पुत्र कैसे होने चाहिए एक लोकानुसार माता पिता अगर उसके बच्चे रोटी मांगे तो क्या उसे वो पत्थर देगा सोच के देखिए क्या देगा उसके बच्चे रोटी मांगे तो क्या उसे वो पत्थर देगा नहीं उसी तरह लोकानुसार झूठ धोखा पाप में जीने वाले मनुष्य माता पिता जो मनुष्य अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहेंगे तो हमारे स्वर्गीय पिता जो परमेश्वर हैं वो हमें कितने अच्छे आशीर्वाद और वस्तुएं देना चाहता होगा तो फिर लोगों को अपने पुत्र कहने वाले परमेश्वर आपको कौन सा आशीर्वाद देगा आपको कैसे बढ़ना होगा कैसे जीना होगा ये बताइए आप किस तरह इस पृथ्वी पर आपको समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए ये देख सकते हैं वॉट गॉड बॉन्ट्स यू एंड मी टू बी परमेश्वर हमसे क्या आशा करता है हमारे लिए कौन सा आशीर्वाद रखे गए हैं यह सब इस ग्रंथ के वचन द्वारा पवित्र आत्मा हमको प्रकट कर रहा है पहली बात व्यवस्था विवरण अध्याय तेरह में वचन सत्रह को अगर देखेंगे तो कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ ना लगने पाए जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप से शांत होकर जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही तुझसे दया का व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए ये लोकानुसार की गिनती में बढ़ सकता है आत्मिक रूप से बढ़ सकते हैं ज्ञान में भी बढ़ना हो सकता है बल में बढ़ सकते हैं परमेश्वर के श्रेष्ठ परमेश्वर की शक्ति में बढ़ना भी हो सकता है जो कुछ भी हो परमेश्वर अपने बच्चों को गिनती में बढ़ाने की हर पल आशा रखता है अब्राम और लूथ दोनों सफ़र करते हुए जा रहे थे लूथ झांक-झांक के देख रहा था वो झांक कर देख के हरी भरी भूमि को देखकर कर ये जो लूथ है कहता है वाह ये तराई कितनी उपजाऊ है हरी भी है यहाँ पानी का स्रोत है वहाँ जाके मैं तंबू खड़ा करके जी सकूँगा मेरे संतान और उनके संतान के संतान भी यहाँ पर सुख शांति से रह सकते हैं कह के जितनी दूर उसकी नज़र जाती है उतनी दूर देख के वहाँ पर रहने की सोच लेता है वो सिंची हुई जगह सदोम और अमोरा को नष्ट करने के बाद नाश हो गई थी बदले में इस लूट से अधिक परमेश्वर ने आप लोगों को पता है अब्राम को चुना था पहले से ही पहचान लिया था उसने नाम लेकर बुलाया अब्राम जो मनुष्य था उसे अब्राम कह के नाम बदलने वाला परमेश्वर ही था उसे अपना पुत्र चुनने की वजह से ही पवित्र समाज चुनी गई निज संपत्ति मान ली थी परमेश्वर ने इसलिए अब्राम का हृदय अच्छा था लूत जो चाहता है उसे वही लेने दो करने दो कह के सोचने वाला स्वभाव होने की वजह से अब्राहम के परमेश्वर ने अपने पुत्र अपने लिए पवित्र समाज बना के निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया और उसके वंश में एक महान देश की सृष्टि कर दिया उन लोगों को एक पवित्र समाज बना लिया अपने लिए, उसने स्वीकार कर लिया, हाँ लिया। अब्राहम को गिनती में बढ़ा दिया कैसे बढ़ाया था उसने आकाश के तारागण को अगर गिन सकता है तो गिन परमेश्वर अब्राहम से कहता है उसी तरह तेरा वंश तेरी संतान फूल फल के गिनती में बढ़ेगी कहता है वृद्धि को चाहने वाला परमेश्वर जिस तरह माता पिता अपने बच्चों की वृद्धि चाहते हैं उसी तरह हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी चाहता है कि हम भी गिनती में बढ़े फले फूले। वचन में हम देख सकते हैं अब्राहम का दास एक जगह पर वो अच्छे से लाबान के पास जाकर इसहाक के लिए लड़की ढूंढने के लिए अपने यजमान के बेटे के लिए पत्नी ढूंढने के निमित्त जब जाता है तो वहाँ अब्राहम की संपत्ति के बारे में अब्राहम की जायदाद के बारे में वो जो बताता है उसे देखिए उत्पत्ति पुस्तक अध्याय छब्बीस वचन बारह और तेरह को अगर आप देखेंगे तो इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में सौ गुना फल पाया योवन ने उसे आशीष दिया था और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि वो आती महान पुरुष हो गया देखिए उसकी संतान अब्राहम के संतान कैसा था कदम कदम पर उन्नति पाने का एक स्थान पर उन्नति के समय को हम देख सकते हैं मेरे प्रियजनों दाऊद के बारे में दो शमुल पुस्तक के अध्याय पाँच और वचन दस में क्या लिखा गया है और दाऊद की बड़ाई अधिकाधिक होती गई अब्राहम की बड़ाई करने वाले यहोवा ने इसहा की बड़ाई करने वाले यहोवा ने इसहा को देख के उसके विरोधी उसका शत्रु अभी मिले और उसके दोस्त और भाई आके कहते हैं कि यहोवा तेरे साथ है इसहा को देख के कहते हैं यह ने इसहा की उन्नति क्यों की थी इसहा के पास परमेश्वर था बताइए को परमेश्वर ने क्यों बढ़ाई यहोवा दावुद के साथ था। शवूल से पवित्र आत्मा हट गया था अपने हृदय को जो भाया उस दास को चुनकर उस दास के साथ यहोवा था तब साथ रहकर दाऊद को यहोवा ने अधिक अधिक बढ़ाई दी ऐसा किस लिए किया था यहोवा उसके साथ था मतलब अगर आप और मैं यहोवा के पुत्र हैं तो हमारे साथ परमेश्वर रहेगा हमारे साथ परमेश्वर दिखाई देता है परमेश्वर की प्रसन्नता हमारे साथ होती है लेकिन आवश्यकता यह है कि हम उसे पहचान सकें उत्पत्ति पुस्तक अध्याय छब्बीस वचन अट्ठाईस को अगर देखेंगे तो हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है ऐसा कौन कहता है अभी और उसके साथ जो मित्र हैं किसने इसहा का बुरा किया था जिसने इसहा को भगा भगा के दूर किया उन्हीं शत्रुओं के सामने गवाही बना के जिस तरह खड़ा किया था यह होवा इसहा के साथ रहता था अब्राहम के साथ था दाऊद के साथ था आज अपने आप को अपने कॉन्शियस से अपने आप को देख के एक प्रश्न पूछना होगा क्या परमेश्वर आपके साथ है मेरे साथ है जो दाऊद के साथ था वो आपके साथ भी है क्या इस बात को हमें अच्छी तरह परख के देखना आवश्यक है अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपको दिन ब दिन अधिक से अधिक बढ़ाने की शक्ति रखता है हमारा परमेश्वर अब दूसरी बात क्या है हम देखेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय पंद्रह वचन चार को मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो उसमें वो तुझे बहुत आशीष देगा आप अधिकारी हो ऐसी एक जगह परमेश्वर ने आपको दिया है एक देश को दिया है शहर को दिया है परिवार को दिया है कलिसिया को दिया है उस जगह पर परमेश्वर क्या करने वाला है आपको अधिकारी बना के बहुत आशीष देगा सबके लिए मामूली सा आशीर्वाद लेकिन परमेश्वर के पुत्र होने के नाते आपको अधिक बहुत आशीष देगा अधिक से अधिक आशीर्वाद परमेश्वर ने जिसे पहले चुना है उससे जिसे फैसला किया है जिस मनुष्य को उसने चुना है वो उसे अधिक आशीष देगा यूसुफ को देखिए बाल्यावस्था में ही उसने उसे चुन लिया यूसुफ को मैं थोड़ा थोड़ा करके अधिक आशीष दूंगा कह के परमेश्वर ने पहले ही चुन लिया था किस लिए उसके अंदर अच्छे गुण थे इसलिए समर्पित करने की आत्मा थी परमेश्वर को मुख्यत देने की एक आत्मा थी यूसुफ के विरोध में शत्रु ने युद्ध किया ये बात सच ही है आपके विरोध में शत्रु हर दिन आएगा क्रूस को उठा के हमें जाने का मुख्य समय है संघर्ष है दुख है क्लेश है धाड़स बांधो। जिस तरह मैंने संसार पर जय पाया है वैसे ही तुम भी पाओगे कह के परमेश्वर कह रहा है उस यूसुफ़ ने भी संघर्ष किया था अपने सगे पिता से अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा था उसे शत्रु बन गए थे वो उसे बेच देते हैं मिस्र में उसे ग़ुलाम बना के बेच देते हैं वो ग़ुलामी की जिंदगी जीने जा रहा था परमेश्वर ने जब बनाया था वो पात्र परमेश्वर का पुत्र बन के यूसुफ रहने की वजह से उसे बेचने पर भी गड्ढे में फेंकने पर भी उसे हटाना चाहा मारना चाहा वो मर गया है कह के चाहे वो शत्रु हो या उसके सगे भाई क्यों ना हो उनके पिता याकूब के पास जाके बताने पर भी परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया था उसने कैसे किया था यूसुफ को राजा बना के फरो के नीचे प्रधानमंत्री बना के उसे स्थिर कर दिया था क्यों ऐसा कर रहा था हाँ क्योंकि यूसुफ के पास ऐसे अच्छे गुण भरे थे बुराई से वो दूर रहता था उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी स्वयं को अपवित्र ना होने दिया अपवित्र कार्य करने पर उसे अपने अधीन करके पोतीफर की पत्नी उसके साथ पाप करने का प्रयत्न करती है तब भी जवानी में जो यूसुफ था अपने आप की रक्षा कर लेता है परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करता दूर हो जाता है परमेश्वर के दिए आज्ञाओं का पालन करता है ये हम अच्छी तरह देख सकते हैं अगर आप में समर्पित करने की सोच है तो परमेश्वर आपको अधिक आशीर्वाद देगा यूसुफ का आशीष देने वाला परमेश्वर आपको भी देगा व्यवस्था विवरण पंद्रह छह को अगर देखेंगे तो तू बहुत जातियों को उधार देगा परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगे ऐसा वचन बताता है मतलब आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर आपको और अधिक आशीष देगा कि आपको उधार लेना ना पड़े उधार देने वाले होंगे दूसरों के भरोसे पे जीने वाले नहीं बल्कि आपको आशीर्वाद बना के रखेगा जिस तरह परमेश्वर ने अपने भाइयों के लिए और अपने पिता याकूब के लिए आशीर्वाद बन के रहा था वैसे ही आपको भी अपने परिवार में अपने चर्च में अपने राष्ट्र में अपने शहर में अपने देश में अपने लोगों के लिए परमेश्वर आपको आशीर्वाद बना के रखेगा परमेश्वर कब आशीष देता है जब आप उसके स्वर को ध्यान से सुनेंगे तब मैंने भी यही कहा था यूसुफ ने आज्ञा मानी परमेश्वर के स्वर की आज्ञा हमें माननी होगी विचार करना पाप है दूसरों को लुभाना पाप है परमेश्वर ऐसे कार्य से द्वेष करता है दस आज्ञाएं नियम उसने अपनाए थे इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ को अधिक से अधिक आशीर्वाद दिया था ये हम देख सकते हैं मेरे प्रियजनों इन दोनों बातों को हमें लिख के रखना चाहिए परमेश्वर अगर आपकी और वृद्धि करना चाहता है तो क्या परमेश्वर आपके साथ है इस बात की आपको अच्छी तरह जांच के देखिए दूसरी बात अगर आप अधिक से अधिक आशीर्वाद पाना चाहते हैं परमेश्वर से तो उसके आज्ञाओं का पालन कीजिए परमेश्वर के स्वर को सेवक के द्वारा सेवकाओं के द्वारा पवित्र ग्रंथ के वचन के द्वारा संदर्भ अनुसार परमेश्वर का वचन जब आपके पास प्रैक्टिकली आता है तो परमेश्वर के वचन अनुसार समर्पित करना आवश्यक है और तीसरी बात यह है बाइबल में व्यवस्था विवरण अध्याय चौदह के वचन उन्तीस को अब हम देखेंगे तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा वो और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों वे भी आकर पेट भर खाए जिसने तेरा परमेश्वर यह तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे परमेश्वर आपको आशीष देगा कैसा आशीष देगा तेरे सब कामों से तू पेट भर खा सके ऐसा आशीष देगा कब आशीष देगा किसी को देकर देखो जब आप देते हैं तो विधवाओं को अनाथ बच्चों को गरीब सामान्य लोगों को अनाथ को लेवीय लोगों को परमेश्वर की सेवा करने वाले पवित्र लेवी को सत्य उत्तम लेवी को परमेश्वर की सेवा करने के लिए विश्वास के साथ रहिए सत्य और श्रेष्ठता से धन के राह देखे बिना आशीर्वाद के राह देखे बिना परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ ऐसा कहने वाले सत्य सेवक लेवी को जब आप देते हैं तो परमेश्वर आपके सब कामों में आशीष देगा कई बार हम व्यापार करते हैं व्यापार में आपको पता है ना वृद्धि नहीं होती हम अपने हाथ से जो देते हैं वो आशीष नहीं रहता मेहनत करके कमाते हैं जब उस कमाई को घर ले आते हैं तो वो आशीष बन के नहीं रहता बदले में बीमारी में खर्च हो जाता है पैसे जब देखो दवाइयों के लिए डॉक्टर्स को देने पड़ते हैं कुछ परिवार को देखेंगे तो पुलिस स्टेशन पे जाके रिश्वत देने के लिए केस लड़ने वाले लॉयर्स को देने अधिकारियों को देने के लिए इन्हीं के लिए सारे पैसे बेकार में खर्च हो जाते हैं व्यर्थ ही चला जाता है आशीर्वाद उनके घर में निवास नहीं करता क्यों उसकी परीक्षा लेनी होगी वे डिड वी गो रॉन्ग हाँ हमने कहाँ पर गलती की है हमारे घर में आशीर्वाद क्यों नहीं रहता है इसकी हमें सोचना होगा यह वचन बताता है आपके सब कामों में तुझे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा ऐसा बताता है मतलब अगर हमारे सब कामों में हमारा परमेश्वर यहोवा हमें आशीष देना है तो परमेश्वर को पहले देना होगा क्योंकि हम परमेश्वर से ही आशीर्वाद पाने वाले हैं फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रायोरिटी प्रथम स्थान परमेश्वर का ही है प्रभु को भेंट देने की बात नहीं अपने आप को देना होगा अब्राहम ने अपने बेटों को दिया इसीलिए अब्राहम संसार के सारे देश के लिए विश्वास का पिता बन के नाम पाया है उसने परमेश्वर की सेवा जो कर रहे हैं ना यथार्थ उत्तम लेवी सच्चे सेवक जिन्हें देखें उन सबको देने की ज़रूरत नहीं है जिनमें सत्य नहीं उनमें बोने की जरूरत नहीं है सच्चे पवित्र सेवक कौन हैं इसकी जांच करके परमेश्वर के लिए सच्चे प्रेम रखकर जो सेवा करते हैं ना उनके पास जाकर परमेश्वर को जो आदर देना है उसे उन्हें भेंट में दीजिए जब आप उसे देंगे तो प्रियजनो तब परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा यही बात अध्याय चौदह के वचन उन्तीस में बताए गए है व्यवस्था विवरण पुस्तक में लेवी जिसका तेरे संग कोई निज ना होगा वो जाके काम नहीं करेंगे लेवी को जाके काम नहीं करना चाहिए लेवी को परमेश्वर स्वतंत्रता नहीं दी है उनका काम परमेश्वर के राज को बनाने का है परमेश्वर के कलिसिया को बनाने का है तब आप अपने हाथ के काम से जाके उन्हें उसकी अथार्ता को देखकर उनकी श्रेष्ठता को देखकर विश्वास को देखकर भेंट देकर देखिए परमेश्वर आशीष देगा वो जिन काम को वृद्धि करेगा उसमें आपको आशीष देगा देगा आपके हाथ के कामों को वो आशीर्वाद तब व्यर्थ नहीं जाएगा व्यर्थ नहीं होगा आप जो कमाई करते हैं वो अधिक होगी उसमें समृद्धि होगी दिया करो परमेश्वर आशीष देगा और क्या बताता है वचन विधवाओं को गरीब मामूली लोगों को अनाथ को देकर देखिए परमेश्वर दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हें देगा और चौथी बात यह है कि आप अपने को दे कर देखिए आपका जो भी है सब परमेश्वर का ही है अब्राहम ने क्या किया पता है इस हाँ को उसको दिया गया इकलौता पुत्र था फिर भी उसने अपने पुत्र को दे दिया देते ही परमेश्वर ने क्या किया उसके काम को आशीष दिया मेरे प्रियजनों पवित्र आत्मा आपसे क्या चाहता है पता है परमेश्वर आपके साथ है परमेश्वर को आपने दिया परमेश्वर के स्वर को ध्यान से सुना गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं क्या दे रहे हैं आप लेवी की सेवा कर रहे हैं अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया यही सब वो देखता है अगर आप ये सब करेंगे तो परमेश्वर आपको और मुझे अपने पुत्र बनाकर परमेश्वर के लिए एक पवित्र समाज बनाकर अपने निज संपत्ति बनाकर आशीर्वाद देगा आशीर्वाद कैसा देगा थोड़ा थोड़ा करके अधिक से अधिक आशीर्वाद देगा आपके सब कामों को परमेश्वर आशीष देगा आँखें बंद करके प्रार्थना करते हैं पवित्र राजा आपने हमसे जो आशीर्वाद की बातें की हैं, उनके लिए तेरी स्तुति करते हैं फल फूल कर बढ़ने वाला आशीष सब कामों में आशीर्वाद पिता तूने कहा आशीष देगा ये सब कार्य करने के लिए तुझे समर्पित करने के लिए परमेश्वर तेरे स्वर को सुनने के लिए परमेश्वर तेरे दास आज्ञाओं का पालन करते हुए कानों से सुनकर करने के लिए पिता तुझे जो आदर देना है उसे देने के लिए तू हमारे साथ है ये जानते हुए जीने के लिए परमेश्वर दीन दुखियों की गरीब अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए लेवी लोगों की मदद करने के लिए परमेश्वर तेरे कार्य करने के लिए अगर हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो तू हमें आशीर्वाद देगा इन बच्चों को देगा इस आशा से तेरे नाम में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु देश में कई जगह अकाल पड़ा है कई उपद्रव हैं पिता देश के अधिकारियों की दृष्टि में दया हो देश की उन्नति हो देश का नाश ना हो ये देश आशीर्वाद में बदलने के लिए सहायता करने की प्रार्थना कर रहे हैं पड़ोसी देश में जो अकाल कमी है वो सब हमारे देश में ना हो हमारे देश की रक्षा करके सुरक्षित रखने की प्रार्थना कर रही हूँ हमारे देश को परमेश्वर पड़ोस देश के भयंकर अधिपति हमारे देश पर आक्रमण ना कर सके परमेश्वर हमारे देश के लीडर्स को ज्ञान की आत्मा से विवेचना की आत्मा से परमेश्वर अच्छे बल सुख जीवन देकर हमारे देश को सही मार्ग पर ले जाने के लिए परमेश्वर पिता हमारे देश के लीडर्स पर पिता तो अनुग्रह कर देशवासियों की सारी बुराई मिटकर स्वयं की रक्षा करने के लिए पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर की निजी संपत्ति बनकर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए हर कोई बदलने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता कर परमेश्वर के कलीसिया आशीष पा सके सेवा करने वाली सारी जगह आशीष पाए परमेश्वर के जन के पिता परमेश्वर के मंदिर आशीष पा सके पिता विश्वासियों के सब काम आशीष पा सके धन्यता और भलाई हो सके पिता परमेश्वर तेरे मंदिर की स्थापना के लिए परमेश्वर अनेक लोग फल फूल के बड़ाई पाए प्रभु के क्रूस को प्रभु स्थिर होकर मजबूत रहे इसकी मदद कर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रही हूँ मेरे अच्छे पिता आमीन गॉड ब्लेस यू प्रभु आपका आशीष दे प्यारे साथियों बहन नलनी विल्सन का विनयाड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर साढ़े ग्यारह बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है उसमें भाग लेने के लिए कलिसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं जगह विनिया सेवकाई मंदवली बस डिपो के पास कनाल बैंक रोड मंदवली चेन्नई ट्वेंटी अधिक जानकारी के लिए नौ नौ छह दो छह दो तीन 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 डबल नाइन सिक्स टू सिक्स टू डबल थ्री डबल थ्री आरोप कॉल करें बहन नलनी विल्सन का बिनिया सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना नॉन स्टॉप प्रेयर हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं प्रत्यक्ष आने वाले नंबर सात साउथ कैनाल बैंक रोड मंदवली बस डिपो के पास में मंदवली चेन्नई अट्ठाईस पर आए ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए नौ नौ दो दो तीन 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 आरोप कॉल करें St. John's Senior Secondary School. Admissions open. From kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years. Let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.